गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर SST क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डू द पार्ट डी ऑफ योर बुक. एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द बैक एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 2 ह्यूमन माइग्रेशन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पार्ट डी सेक्शन ऑफ योर बुक. ओके, in this section you have to be give the answers of your questions briefly means in a short answer type questions. The answers is not so much lengthy. Okay, so let us start it. Question one is, what do you mean by the term migration? Se aap kya samajhte hain? The answer is regular movement of people from one place to another is called migration. Regular मतलब जो आम तौर पर होती रहती है, लोगों की movement from the one place to another, एक place से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह, this is called migration. इसे हम क्या कहते हैं? Migration. ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इट मींस यू हैव टू बी गिव द डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. क्या होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? तो लेट अस रीड द आंसर. व्हेन मैन ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड टिल द सॉयल इज फर्टाइल. कि जब मनुष्य जो है वो एक पीस ऑफ लैंड पर क्रॉप्स को उगा रहा है, टिल मतलब जब तक द सॉयल इज़ फर्टाइल. कब तक उगा रहा है? जब तक सॉयल क्या है? फर्टाइल है. देन ही वुड लीव इट. और जब सॉयल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. ठीक है, सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन ही वुड लीव इट. ठीक है, तब वो उसको लीव कर देता एंड मूव टू द न्यू प्लेस ऑफ लैंड. और नई जगह पर चला जाता है, न्यू पीस ऑफ लैंड पर जाकर दोबारा से फसल जो है उगानी स्टार्ट कर देता है. दिस टाइप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और इसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ओके, आई होप कि आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझ आ गई होगी. बच्चे ये क्या है, जिसमें हम क्या करता है ह्यूमन बींग, कि उसने एक खेत के टुकड़े को साफ में खेती की. ठीक है, यहाँ पर वो कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स, कोई मैन्यूर यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, वो नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड है. और हमारी सॉयल आफ्टर सम टाइम्स अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर जाती है. मिट्टी की जैसे ही फर्टिलिटी लूज़ होती है, वो उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देता है और न्यू पीस ऑफ लैंड पर चला जाता है और फिर वहाँ पर फसल उगाना स्टार्ट कर देता है. वहाँ से फिर वही सेम प्रोसेस होता है कि वो एक दो क्रॉप वहाँ से लेगा और जैसे ही मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करेगी, देन ही मूव टू द अनदर प्लेस. सो दिस, वो शिफ्ट हो रहा है ना फ्रॉम वन प्लेस पीस ऑफ लैंड टू अनदर पीस ऑफ लैंड, सो दैट इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 3. नेम द टू टाइप्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन. हेयर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी राइट द नेम ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन. फोर्स्ड माइग्रेशन, हमने माइग्रेशन के दो टाइप पढ़े थे. If you remember, one is voluntary migration and second is forced migration. तो forced migration के भी दो type हैं, वो क्या हैं? ठीक है, let us read the answer. The type of forced migration. अब forced migration, human being migrate हो रहा है due to natural disaster or due to man-made disaster. किन रीजंस की वजह से? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर्स. ओके, सो दिस इज योर
टाइप ऑफ फोर्स माइग्रेशन, ये क्या है आपका टाइप ऑफ फोर्स माइग्रेशन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, नेम द रिवर, नेम द रिवर विच फेस्ड फ्लड्स इन कश्मीर इन द ईयर 2014. अब आपको क्या करना है, नेम द रिवर, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द रिवर इन विच फ्लड हैज कम ड्यूरिंग द 2014 इन कश्मीर. सो द नेम ऑफ द रिवर इज झेलम, आंसर इज रिवर झेलम. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल. आपने दो चीज़ें बतानी है जिसकी वजह से लोगों की जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो रूढ़िवादी सोच है, वो चेंज हुई है आज के टाइम पीरियड में. बच्चे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में इन द एनिशियन टाइम पीरियड पीपल आर स्केयर्ड टू मूव टू द अब्रॉड और फार अवे प्लेसेस, वो दूर जाने से डरते थे. तो ये जो रूढ़िवादी थिंकिंग थी, ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, वो किन दो चीज़ों की वजह से चेंज हुई? तो आंसर इज एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग. दैट रूढ़िवादी, दैट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग. आज लोग क्या हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क के साथ विचार करके सोचते हैं कि अगर हम दूर जाने से डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं, कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं. दैट्स वाई देयर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इज़ ऑलमोस्ट फिनिश नाउ. अब आजकल जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं रखते. ठीक है, तो किसने चेंज की, एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग ने. ओके, सो हेयर योर पार्ट डी क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीटेड. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पार्ट ई सेक्शन ऑफ योर चैप्टर. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.